फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राव। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक शॉक वेव्स, जिसको मैं इजी से इजी, जितना आसान भाषा में हो सकता है वो आपको समझाऊंगा कि किस तरह से काम करता है और आपको ये किस तरह से फायदा देगा। तो अगर आप ईडी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता से पीड़ित हैं या शीघ्र पतन से पीड़ित हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि एंड तक देखने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस मशीन के बारे में पहले भी वीडियो बनाया था शॉक वेव के बारे में, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपके बारे में ये आपको बहुत यूजफुल वीडियो साबित होगा। शॉक वेव, जिसको ईडी 1000 भी कहा जाता है, वो एक उसका कंपनी का नाम है, लेकिन उसके अंदर से शॉक वेव निकलती है। शॉक वेव क्या है? ये बेसिकली साउंड की वेव है। साउंड वेव कैसे? जैसे आप तेज बोलो, जैसे मैं आप बोल रहा हूं तो मेरे को आप अपने मुंह के सामने रखेंगे तो आपको अपने हाथ पे बार बार प्रेशर फील होगा, वही साउंड वेव होती है। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करे तो वो एक तरह की चोट मारती है। तो हम इसके प्रोब जो होता है वो शॉक वेव का प्रोब ऐसे यहां पर टच करता है पेनिस पे और यहां पर शॉक देता है, ये शॉक वेव होती है। तो इस शॉक वेव से हम क्यों इसको शॉक दे रहे हैं, हम इसको क्यों मार रहे हैं? आप कहेंगे कि पेनिस तो पहले ही कमजोर है, उसमें ईडी है, नपुंसकता है, खड़ा नहीं होता, ऊपर से आप इसको चोट भी मार रहे हैं, किस तरह के इलाज कर रहे हैं? हम इसको चोट इसलिए मार रहे हैं क्योंकि इसे खड़ा नहीं होता, उसको खड़ा करने के लिए चोट मारी जा रही है। क्या होता है, जब आपने देखा होगा अगर किसी के आदमी के जख्म हो जाए, इस एरिया में मान लो आपके किसी तरह का जख्म हो जाए, तो वो जख्म धीरे धीरे साइड से बढ़ता चला जाता है, उसके ऊपर एक खुरन आ जाता है, धीरे धीरे वो छोटा होता चला जाता है और वो खुरन आ जाता है, धीरे फिर वो खुरन भी वहां से हट जाता है। तो जो नई स्किन आती है, आपने उसको महसूस किया होगा, लाल होती है, चिकनी होती है बहुत ज्यादा। क्यों वो लाल होती है? क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा आ जाती है, किसी भी जगह को हील करने के लिए, कहीं पे चोट लगी हील करने के लिए वहां पे बॉडी क्या रिफ्लेक्स मैकेनिज्म देती है, क्या करती है, वहां पे ज्यादा ब्लड सप्लाई बढ़ा देती है। तो जब हम इस पेनिस में इस शॉक वेव के थ्रू चोट मारते हैं, ऑफकोर्स ऐसे नहीं चोट मारते नहीं तो दर्द होगा, हम इसको सुन कर देते हैं पेनिस को थोड़ी देर के लिए, सुन का इंजेक्शन लगा के और फिर इस पे चोट मारते हैं, तो इससे क्या होगा, यहां पर बार बार चोट लगेगी तो यहां पर न्यूरोवैस्कुलराइजेशन यानी नई ब्लड वेसल्स आएंगी, नई ब्लड वेसल्स जन्म लेंगी। एक्चुअली क्या होता है, जब हम पेनिस को बीच में से देखते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया था पहले कि लिंग की नसें क्यों कमजोर हो जाती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इसके अंदर कोई नस होगी जो इसको सप्लाई करती होगी, जिस कारण से बहुत वीक हो जाएगी तो पेनिस वीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, इसके बीच में ये पेशाब का रास्ता है पेनिस में, ये टिप पे खुलता है ऐसे, जो आप मान के चले पेशाब का रास्ता है। तो यहां पर इस एरिया में ऐसे बहुत सारे, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उस तरह से बहुत सारी ब्लड वेसल्स इस तरह से एक स्पंज टाइप का बना देती है मधुमक्खी का छत्ता, हनीकॉम अपीयरेंस कहते हैं, बहुत सारे इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, जिन लोगों में ईडी होती है ब्लड वेसल्स या तो कमजोर हो जाती है, इनका अमाउंट कम हो जाता है। तो जब हमने शॉक वेव दी आपको तो यहां पे चोट लगी तो उसके रिस्पांस में नई ब्लड वेसल, जैसे पहले एक थी तो मान लीजिए उसके हिसाब से तीन बन जाएगी, नई बन जाएगी, लेकिन इस प्रोसेस में टाइम लगता है, इसके कई सारे सेशन कराने पड़ते हैं आपको, तो 5-6 सेशन होते हैं इसको। अगर आप थोड़ा कम सेशन लेना चाहते हैं तो इसके साथ पी शॉट को कंबाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या करता है, ब्लड वेसल यहां नहीं आती, इन्हीं ये जो मधुमक्खी का छत्ता जैसा है जिसको हम कॉर्पस कैवर्नोसा कहते हैं, उसी में ब्लड इकट्ठा होने के कारण ही इरेक्शन आती है। अब लोगों में इरेक्शन क्यों नहीं आती, या तो ब्लड पूरी तरह से नहीं आया, या आया तो जल्दी निकल गया, जो कहते हैं कि ये खराब हो जाता है लेकिन सेक्स करते वक्त बैठ जाता है, तो क्योंकि वो जल्दी नसों से खाली हो जाता है, क्योंकि नसों का अमाउंट कम है, उसके अंदर रुक नहीं पाता ब्लड, तो ये उन ब्लड वेसल्स को और ज्यादा बढ़ा देती है। और ज्यादा बढ़ाने से क्या होगा, इसके अंदर और ज्यादा ब्लड रुकेगा। तो ये पहला तरीका है जिससे शॉक वेव किसी भी इंसान को हेल्प करता है। दूसरा तरीका क्या है, ये ब्लड वेसल है, धीरे धीरे एज के साथ, सिगरेट पीते हैं आप, उम्र के साथ, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, यहां पे प्लाक जमा हो जाते हैं, कैल्शियम के होते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे ब्लड में से इतना ब्लड जाना था तो ब्लड कम जाने लगता है, इसमें से यहां पे और कम हो गया, बाहर निकलते हुए और कम हो गया, तो यहां पे इतना ब्लड आया, यहां पे उससे थोड़ा कम आया, यहां पे बिल्कुल कम आया। तो जब ये शॉक लगते हैं किसी भी चीज में, आपने यहां पे किया इसको मारा, ऐसे शॉक पे मारा, तो धीरे धीरे ये प्लाक यहां से हटने लगते हैं, खुलने लगते हैं और ब्लड वेसल्स
वापस उसी शेप की हो जाती है जैसे पहले थी। उनका ल्यूमन, उनका मतलब अंदर का जो एरिया है वो इतना ही हो जाता है ताकि पूरा ब्लड जितना पहले ब्लड था उतना ही ब्लड इसमें से दोबारा जाने लगता है। तो ये दूसरा फिनोमेना हमने कहा। हमने पहला कहा कि न्यू वेस्कुलाइजेशन मतलब नई ब्लड वेसल्स का बनना, और जो ऑलरेडी है उनके जो रुकावट आ गई है प्लाक के कारण या कोई भी रुकावट आ जाती है उनको ये खोल देता है बार बार झटके मार के। तीसरा होता है वैसोडायलिटेशन। मान लो ये ब्लड वेसल्स ऐसी है वेट टाइम ये छोटी होने लगती है, लंग में सिकुड़न आने लगती है। आपने देखा होगा जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तो लिंग छोटा हो जाता है क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, वो ऐसे सिकुड़ने लगता है। तो ये उन ब्लड वेसल्स को खोल देता है, वापस उनको बाहर की ओर बड़ा कर देता है। तो ये तीन ऐसे पर्पज हैं कि जिससे न्यू वेस्कुलराइजेशन, प्लाक और वैसोडायलेशन, जिससे ईडी 1000 जब हम इसके यहां पे शॉक देते हैं तो फायदा करती है। किन मरीजों में फायदा करती है? जिनमें माइल्ड ईडी है, यानी खड़ा तो हो जाता है लेकिन बीच में बैठ जाता है, या दवाइयों से खड़ा हो जाता है, या फिर थोड़ी देर तक खड़ा रहता है फिर जल्दी बैठ जाता है, तो उनमें ये बड़ा फायदा करती है। अगर मॉडरेट ईडी है, इससे ज्यादा ईडी है, तो इसके साथ पी शॉट कंबाइन कर सकते हैं या पी शॉट अलग से भी ले सकते हैं। लेकिन ये माइल्ड और मॉडरेट ईडी में ये मशीन काम करती है, सीवियर ईडी में काम नहीं करेगी, जिसमें डायबिटीज होगा, हाइपरटेंशन होगी, ओल्ड एज होगी, बहुत ज्यादा सालों से ईडी होगी उसमें काम नहीं करेगी, लेकिन इनमें ये बहुत बढ़िया काम करती है। तो हमने लेकिन मैंने तो बता दिया न्यू वैस्कुलराइजेशन होगी, नई ब्लड वेसल्स बनेगी, वेसल्स खुलेगी, वेसल्स डायलेट होगी, लेकिन उससे आपको क्या फायदा? उससे आपको क्या फायदा है? ईडी में जिनको नपुंसकता है उसमें फायदा होता है, जिनका लिंग पहले तो खड़ा हो जाता है लेकिन सेक्स करने के वक्त बैठ जाता है उन लोगों को फायदा होता है। जिनका लिंग पहले जैसे तनाव नहीं आता या कभी भी तनाव आता है लेकिन पूरा सख्त तनाव नहीं आता उन लोगों को फायदा होता है। तो सिर्फ उन्हीं को फायदा नहीं होता, उनके साथ जिनको शीघ्र पतन पीएमई प्रीमेच्योर एजुकेशन मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, ये दोनों जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होती है, नपुंसकता होती है, उनको आमतौर पर शीघ्र पतन की भी शिकायत होती है। और शीघ्र पतन की शिकायत होने के कारण क्योंकि जल्दी निकल जाता है तो उनका जल्दी बैठ भी जाता है तो ईडी होती है। ये एक साइकिल होती है, इस साइकिल को ये तोड़ता है, ईडी से पीएमई, पीएमई से ईडी, नपुंसकता से शीघ्र पतन, शीघ्र पतन से नपुंसकता, ये चलता ही रहता है। तो ये उसको ब्रेक करता है क्योंकि ये धीरे धीरे यहां पे हमने बताया ब्लड सप्लाई बढ़ाता है तो नपुंसकता को तोड़ता है, नपुंसकता को तोड़ता है तो ज्यादा देर तक आपका लिंग में तनाव रहता है तो शीघ्र पतन नहीं होता। इससे करने के बाद एक और बहुत आता है जो इरेक्शन होती है, जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं कि वो कहते हैं एक बार तो सेक्स कर पाते हैं दूसरी बार सेक्स नहीं हो पाता उस टाइम पे, मतलब थोड़ी देर बाद उठता नहीं है, तो उसका जो उठने का फ्रीक्वेंसी है उसको भी ये बढ़ा देता है, मतलब जल्दी जल्दी आदमी में इरेक्शन आने लगती है। यहां पर सिर्फ ये ब्लड वेसल्स को ही रिपेयर नहीं करता, यहां की नर्व सप्लाई को भी रिपेयर करता है, यानी ब्लड वेसल्स से तो सिर्फ इरेक्शन आई है। चौथा बेनिफिट हमने क्या किया यहां पे, तीसरा बेनिफिट क्या किया कि जो प्लेजर है ऑर्गेज्म, मतलब जो सेक्स करने वक्त मजा आता है वो क्यों मजा आता है? क्योंकि आपको नर्व सप्लाई यानी वहां से जो नसें जो लेके जाती है आपकी ब्रेन तक सेंसेशन उनको भी रिपेयर करता है। तो जो ऑर्गेज्म है वो ज्यादा आता है और इरेक्शन देर तक रहती है, बार बार आती है। तो ये इसका इस मशीन का फायदा होता है। एक फायदा है लेंथनिंग, पेनाइल लेंथनिंग, पेनिस को लंबा करना। मैंने ये बताया था पिछले वीडियो में, कुछ दिनों पहले मेरा वीडियो है कि लिंग क्यों सिकुड़ने लगता है, तो उसमें बताया था कि ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है। तो अगर हम ब्लड सप्लाई को बढ़ा रहे हैं तीन मेथड से, नई ब्लड वेसल बना के, उनके बीच के रास्ते को खोल के या उनको मोटा करके, तो यहां पे जब ब्लड सप्लाई ज्यादा आएगी तो पेनिस ज्यादा देर तक तनाव में रहेगा, धीरे धीरे उसका किसी भी जगह पे अगर ज्यादा ब्लड सप्लाई आए तो उसका साइज बढ़ने लगता है किसी भी अगर ऑर्गन में, तो लेंथनिंग कर देता है। कितनी लेंथनिंग कर देता है? 10-15%। इसके साथ क्या करना पड़ेगा आपको, इसको करना है तो पी शॉट कंबाइन करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। और आपको दोनों को कंबाइन करेंगे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, साथ के साथ आपके इसके साथ पिनाइल स्ट्रेचिंग डिवाइस भी कभी कभी लगा देते हैं, एक तरह का इस पेन की तरह है मान लो, और वो स्प्रिंग होता है वो खींच के रखता है पेन, इसको साथ में आप पी शॉट दो, जरूरी नहीं है उसको लगाना लेकिन वो लगाओगे तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। 10-15% आपको पेनिस की लंबाई और गर्थ में भी फायदा मिलेगा, यानी मोटाई में भी फायदा मिलेगा क्योंकि ब्लड सप्लाई बढ़ गई है उस जगह की। और लास्ट में सिर्फ पेनिस, आपने देखा होगा अगर पेनिस की जिनको नपुंसकता होती है या होती है उनकी स्किन में भी क्योंकि ब्लड सप्लाई कम आने लगती है, इस पूरे ऑर्गन में ही ब्लड सप्लाई कम आने लगती है तो स्किन काली पड़ने लगती है, झुर्रियां पड़ने लगती है शॉक वेव कराने के बाद। ठीक जगह से मतलब आप इसको कराओ तो शॉक वेव कराने के बाद
स्किन भी इंप्रूव होने लगती है, स्किन भी थोड़ी चमक आ जाती है स्किन में। ये नहीं कि काली से बिल्कुल गोरी हो जाएगी आप इस, लेकिन जैसा आपका स्किन का कलर है वैसे रहेगी, लेकिन उसमें एक तरह का शाइनी शाइन करेगी वो, तो ये भी फायदा होता है। इसके बारे में ये मैंने सबसे इजी वे में आपको बताया शॉक वेव थेरेपी। इसके बारे में अगर आप कोई हमसे पूछना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, फोन कर सकते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं आके 10 से 7 बजे सभी दिन, मंडे से सैटरडे, संडे को छोड़ के। गुड़गांव में है हमारा क्लिनिक दिल्ली के पास। तो इसके बारे में अगर आपके और कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। आप इस चैनल को, आपको ये जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि हम इस तरह के और नॉलेज देने वाले आपको और वीडियो बना सके। थैंक यू वेरी मच।